65,000 की नकदी व सोने के आभूषण लूटे। दो बाइकों पर आए नकाबपोश बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष भारी संख्या में पुलिस फोर्स लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की सूचना अपने अधिकारियों को दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरा मामला बरनाहल थाना क्षेत्र के ग्राम नगला भाई खां के पास की है। घटना मंगलवार शाम 4 बजे फूलापुर निवासी सत्येंद्र तिवारी पुत्र ब्रजेश कुमार तिवारी मैनपुरी लाइव न्यूज चैनल के पत्रकार हैं। प्रवीण कुमार गांव में ही बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। मंगलवार की शाम अपने भतीजे प्रवीण पुत्र नारायण दत्त के साथ बाइक से जा रहे थे। ग्राम नगला भाई खां के निकट दो बाइकों पर आए 4 अज्ञात युवकों ने उन्हें रोक लिया। बदमाश नकाबपोश थे। 65,000 रुपए की नकदी, सोने की 2 अंगूठी, सोने की चैन छीन ले गए। शोर मचाने पर बदमाशों ने गोली मारने की धमकी दी। घटना को अंजाम देकर फिल्मी अंदाज से भाग निकले। बदमाशों के जाते ही सत्येंद्र ने 100 डायल पुलिस को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही एसओ संजेश कुमार, सीओ करहल परमानंद पांडे, क्राइम ब्रांच टीम, पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय, अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे। लुटेरों की आसपास तलाश कराई गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सत्येंद्र की ओर से अज्ञात बदमाशों के खिलाफ घटना की तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज करा लिया है। लूट की घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। कितना रुपया था और क्या क्या सामान लूट में गए? 58,000 रुपए का चेक से निकाला था, 2 अंगूठी थी, 1 लग थी। उसके बाद आपने इसकी सूचना किसे दी? डायल 100।